छत्तीसगढ़ में कोरबा की जमनीपाली सेवा केंद्र की ओर से धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र की ओर से 12 ज्योतिर्लिंग की विशाल झांकी भी लगाई गई। इस मौके पर उपभोक्ता फोरम के पूर्व न्यायाधीश सरिता पांडे ने कहा कि संस्था में आकर परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि परमात्मा सदा शिव, सदा पूजनीय है और अजर अमर है। तो वही कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी, चिमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। जो गीता में परमात्मा ने वायदा किया है कि जब जब इस धरावर अधर्म का बोलबाला होगा तब मैं इस सृष्टि पर आऊं। ऐसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में बगराजी में शिवरात्रि महोत्सव में 40 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया, जो श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र था। इस मौके पर दया और करुणा पर बोलते हुए राजयोग शिक्षिका बीके विनीता दीदी ने कहा कि दया और करुणा बहुत बड़ी शक्ति है। वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला दीदी ने सभी को ब्रह्मा कुमारी के निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया। हरियाणा के रेवाड़ी में 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे। रेवाड़ी सेक्टर 1 स्थित त्रिमूर्ति शिव भवन के सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश कुमारी ने कहा कि शिवरात्रि पर ही यह महोत्सव मनाया जाता है। आगे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मंच से मुझे तूने बाबा सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है गीत गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है। हमारा तो ये देश भारत भूमि जो है ये अध्यात्म भूमि है। देश के कई प्रदेशों में 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के तहत कई धर्म सभा और सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें निराकार परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण और दिव्य कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए उसकी सिलसिलेवार तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में भी मनाई गई 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल, हनुमान मंदिर सेवा समिति प्रधान शिव कुमार गुप्ता, बीके पीयूष भाई, सुधा डेंटल हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी गुप्ता और कोऑर्डिनेटर सीमा गुप्ता रही विशेष मौजूद। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र पर हिंदू धर्म सम्मेलन का हुआ आयोजन। मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी, व्यवस्थापक एवं सह साथियों के लिए हुआ कार्यक्रम। वही सेवा केंद्र पर मैजिकल मिरर शिवलिंग दर्शन की प्रतिकृति रही सभी के लिए आकर्षण का केंद्र। डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकु दीदी, साधक योगी अशोक मराठे और प्रवचनकार अलका मुतालिक रही विशेष उपस्थित। तो भारत के बाहर नेपाल में भी धूमधाम से मनाया गया त्रिमूर्ति शिव महोत्सव। रक्साल के वीरतरा सेवा केंद्र में हुआ खास कार्यक्रम। काठमांडू जोन की निदेशक बीके राज दीदी और भारतीय दूतावास के नितेश कुमार ने लिया खास हिस्सा। इसी तरह बीरगंज में भी शिव जयंती की पूर्व संध्या पर युवा प्रभाग ने लगाया रक्तदान और नेत्र जांच शिविर। वीरगंज क्षेत्रीय निदेशक बीके रवीना, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर कयाल और रेड क्रॉस सोसाइटी परसा के उप सभापति मधु राणा ने दर्ज कराई अपनी विशेष उपस्थिति। तो पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर के खड़गपुर सेवा केंद्र में शिव जयंती सेलिब्रेशन के दौरान नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन।
माउंट आबू से पधारे मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के शांतनु, तमलुक सब जोन निदेशक बी के अल्पना, ज्ञान सरोवर की बी के टीचर मंजू दीदी, एसडीओ खड़गपुर दिलीप सरकार हुए कार्यक्रम में शामिल। खड़गपुर सेवा केंद्र की ओर से रेलवे ट्रैफिक मैदान में भी हुआ महासम्मेलन। सांसद मेदनीपुर दिलीप घोष रहे विशेष अतिथि। साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की ओर से हुआ पूरा कार्यक्रम। इस मौके पर गुजरात वडोदरा सब जोन की ओर से संत सम्मेलन का हुआ आयोजन। सब जोन इंचार्ज बी के डॉक्टर निरंजना के मार्गदर्शन में मनाई गई साधुओं के संगत में शिव जयंती। दूसरी ओर हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में भी हुआ भव्य आयोजन। शहर के विधायक सुरेंद्र पवार ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। अंबाला में भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हुए कई कार्यक्रम। गायक बी के युगरतन ने दी प्रस्तुति तो इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के भारत भूषण और मुख्य अतिथि योग फेडरेशन के राजेंद्र विज हुए शामिल। बात करते हैं अब झारखंड की। यहां रामगढ़ कैंट राज्य कॉम्प्लेक्स में शिव अवतरण के रहस्य को लेकर हुआ आध्यात्मिक कार्यक्रम। सांसद और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी विशेष तौर पर रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर शिव वरदानी भवन में मनाई गई शिव जयंती। नगर निगम पार्षद सुनील संभावनी और राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नीलम भूतड़ा रही विशेष अतिथि। वहीं मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर में महाशिवरात्रि महोत्सव की रही धूम। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बी के हेमलता दीदी ने कहा कि शिव के साथ सच्चा सौदा कर अपनी कमियों का करें सभी दान। कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल, सेवा केंद्र संचालिका बी के अनीता दीदी, बी के सविता दीदी, नगर परिषद उपाध्यक्ष पूजा योगी रही विशेष मौजूद। कर्मयोगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के राजिम नवापारा में शिवरात्रि पर लगाया गया महामेला। मेले में इंदौर जोन कोऑर्डिनेटर बी के नारायण भाई ने कहा कि स्वचिंतन के लिए समय नहीं तो नहीं मिल सकता सच्चा सुख और शांति। कार्यक्रम में बी के पूजा, बी के प्रिया, बी के पुष्पा रही विशेष मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सब का ठिकाना है। सत्यम शिवम।
समुद्र है हम सरिताएं मधुर मिलन के स्वप्न सजाए शिव सहज समर्पण स्वीकार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है अजर अमर शिव पिता अजन्मा है निराकार है सत्य सनातन है सत्यम शिवम सुंदरम हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है भगवान ऐसा अलख निरंजन है सत्यम शिवम शिव विराट है हम बिंदु मात्र हैं शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है का अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबीनी संतान हैं सत्यम शिवम सुंदरम परम धाम में वास जो करता है हम जग में उसकी पहचान है सत्यम शिवम ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता मन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हर कलि हर फूल से वो प्यार करता।